आज हम बात करेंगे टेलीविजन इंडस्ट्री के उन फेमस हीरोइंस की जिनकी शादी होने के बाद उनके करियर में ब्रेक लग गया। तो आइए जानते हैं आखिर कौन सी एक्ट्रेसेस शादी करने के बाद लैमलाइट से दूर चली गई। नंबर वन, मिहिका वर्मा। टेलीविजन के सबसे चर्चित शो ये है मोहब्बतें में मिहिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मिहिका वर्मा ने अचानक इस शो को अलविदा कह दिया था। उनके फैंस भी समझ नहीं पाए कि उन्हें अचानक से ऐसा क्यों किया है। कुछ समय के बाद मिहिका की शादी की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद पता चला कि मिहिका ने शादी होने की वजह से शो को अलविदा कहा था। इन दिनों मिहिका अपने पति के साथ पर्सनल लाइफ एंजॉय कर रही है। नंबर टू, नेहा मर्दा। टीवी के मशहूर शो बालिका वधू में गहना के नाम से चर्चित हुई अभिनेत्री नेहा मर्दा ने भी टीवी इंडस्ट्री से ब्रेक ले लिया है। नेहा ने साल 2012 में शादी कर ली थी, जिसके बाद से ही वो लैमलाइट से कोसों दूर चली गई। हालांकि सदी के बाद भी वो एक या दो बार इंडस्ट्री में नजर आई थी, लेकिन अब उन्होंने पूरी तरह से टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया है। नंबर थ्री, मोहिना कुमारी। टेलीविजन की मशहूर अदाकारा और डांसर मोहिना कुमारी हाल ही में अक्टूबर में सूर्या श्रावत के साथ शादी के बंधन में बंधी है। मोहिना टेलीविजन के सबसे मशहूर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में नजर आई थी। उस शादी के बाद मोहिना ने इस सीरियल को अलविदा कह दिया। फिलहाल वो अपने पति और परिवार के साथ शादीशुदा जिंदगी का लुत्फ उठा रही है। नंबर फोर, पूर्वी जोशी। टेलीविजन अभिनेत्री पूर्वी जोशी बीटीवी इंडस्ट्री का जाना माना नाम है। पूर्वी टेलीविजन एक्ट्रेस सरिता जोशी की बेटी है। पूर्वी ने साल 2014 में शादी कर ली थी, जिसके बाद से वो टेलीविजन की दुनिया में कभी दिखाई नहीं दी। शादी से पहले पूर्वी कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में भी काम कर चुकी थी। नंबर फाइव, एकता कौल। टेलीविजन की पॉपुलर एक्ट्रेस एकता कौल रब से सोना इश्क टीवी सीरियल से लैम लाइट में आई थी। इसके बाद एकता स्टार प्लस के पॉपुलर शो मेरे अंगने में नजर आई थी। एकता ने अचानक सीरियल को अलविदा कहा और अपने फैंस को निराश कर दिया, जिसके कुछ दिनों बाद एकता और अभिनेता सुमित व्यास की शादी की खबरें सामने आई। अब एकता शादी के बाद से ही टेलीविजन से दूर ही हैं। हालांकि उनके पति सुमित व्यास को शादी के बाद भी फिल्मों में देखा गया है।